सलमान, बड़ी शानदार इनिंग्स के लिए आपने 50 हो रहे थे, ये 100 हो गया, कितना प्राउड फील कर रहे हैं 100 बनाए, और स्पेशली उस वक्त जब बाबर आजम की विकेट गिर गई थी और स्कोर कम भी हो सकता था पाकिस्तान? जी बिल्कुल, प्राउड तो काफ़ी कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल में अपने मुल्क के लिए अपनी पहली सेंचुरी करते हैं तो वो एक ऐसी फीलिंग है जो आप वर्ड्स में तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और रही बात बाबर का जल्दी आउट होना, ऑब्वियसली उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, ये था कि जितना मैक्सिमम रन बना सकूँ बनाऊँ। और नवमी भाई की यहाँ पर तारीफ करूँगा कि उन्होंने जो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 80 बॉल्स खेले हैं, उस टाइम पे बॉल्स खेलना ज़्यादा मैटर कर रहा था विकेट पे रहना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने 100 करवाया। अच्छा सलमान, विकेट को कैसा देख रहे हैं आप? आपने भी बैटिंग की, न्यूजीलैंड भी कह रहा है, विकेट के बारे में आपकी क्या राय? आई थिंक विकेट जो है ना वो अभी थोड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे जैसे डे प्रोग्रेस करते जाएंगे ये थोड़ा टर्न होने की तरफ चलता जाएगा, क्योंकि पैचेस बन रहे हैं विकेट पर, तो मुझे लगता है कि चौथा पांचवा दिन इधर बैटिंग करना आसान नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम आगा, मेरा नाम शुएब जट है। हो सकता है कि मैं ना देख पाया हूँ, लेकिन मुझे आप फील्डिंग सेशन में नज़र नहीं आए, और वैसे आप एक ऑफ ब्रेक हैं, दोनों खब्बे थे, हम वैसे भी ऑफ ब्रेक के साथ अगर जाते तो असर हो सकता था, तो क्या आप फील्ड में थे नहीं या मुझे नज़र नहीं आए, और अगर थे तो बॉल क्यों नहीं कराया? क्योंकि ऑफ ब्रेक अगर खब्बों पे करता तो यकीनी तौर पे बैटिंग की तरह आप बॉलिंग में भी पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपैक्टफुल प्लेयर साबित हो सकते थे। शुएब भाई, मेरी कल रात से तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मैं ऑलमोस्ट कल सारी रात सो नहीं पाया, और ऑब्वियसली जब मैं बैटिंग करके फिनिश की तो फील्डिंग पर मैं गया हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम थोड़ा चक्कर आने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मैं फील्डिंग पे कंटिन्यू नहीं कर पाया, और इसी की वजह से मैं बॉलिंग भी नहीं कर पाया। उम्मीद करता हूँ कि कल मैं थोड़ा बेहतर हूँ और इंशाल्लाह जाकर बॉलिंग करूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन, सलमान मुबारक हो आपने जबरदस्त इनिंग्स के लिए। बड़ा आप अपनी टेस्ट कैरियर में जो कि बड़ा शॉर्ट है, बड़ा सॉलिड और कम्पैक्ट नजर आए हो और बड़ा कॉन्फिडेंट प्लेयर लग रहे हो। इसका तो ये नहीं है कि 82 आपने फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और 14 सेंचुरीज वहाँ स्कोर की है, उससे काफ़ी आपको फ़ायदा पहुँचा है और आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो? जी बिल्कुल, जब आप इतनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके होते हैं तो जो ऑब्वियसली जो सिनेरियोज आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में मिलते हैं तो मोस्टली आप उनसे गुजर चुके होते हो, और सिर्फ इंटरनेशनल में थोड़ा प्रेशर होता है जो आपने हैंडल करना होता है। तो मैं भी इस तरह काफ़ी, मतलब जो भी सिनेरियोज मेरे आगे आ रहे हैं वो मैं उनसे ऑलमोस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गुजर चुका हूँ, तो उनको हैंडल करने में इतना मुश्किल नहीं हो रहा। लाइक ऑब्वियसली आपने बात ठीक की है कि फर्स्ट क्लास करियर जो है आपका, अगर इतना लंबा हो, इतने मैचेस आप खेल चुके हो, तो आपको इंटरनेशनल में एडजस्ट करने में ज़्यादा आसानी होती है। लास्ट टू क्वेश्चन जो जी भाई और बहराम। सलमान, हमने देखा आप काफ़ी इधर, अस्सलाम वालेकुम, हमने देखा आप काफ़ी नीचे नंबरों पर बैटिंग कर रहे हैं, और जैसे ही आप बैटिंग करने आते हैं तो टेल शुरू हो जाती है पाकिस्तान की, तो कभी कोई ऐसी ख्वाहिश है कि आप भी कभी 5 नंबर पे या 6 नंबर पे बैटिंग करने आए? जी मैं ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग तो 5 नंबर पे ही करता हूँ, लेकिन जहरी बात है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आते हैं तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आप डोमेस्टिक में करते हैं, तो एक रोल मुझे मिला हुआ है जो कि टेल के साथ बैटिंग करना या नंबर 7 पे बैटिंग करना, इसको मैं सो फार इन्जॉय कर रहा हूँ, और कोशिश यही है कि इस पर बेहतर से बेहतर करता जाऊँ, हो सकता है फ्यूचर में मुझे ऊपर बैटिंग करने का मौका मिले। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान, दिस बहराम काजी फ्रॉम ग्रास रूट्स क्रिकेट। आपसे सवाल ये था कि 3 आपने 50 स्कोर की बिफोर गेटिंग टू दैट एलूसिव 100, जिसका आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, और मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस की बात करें, ऑफ्टन ये बात की जाती है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत खासा फर्क आ जाता है व्हेन इट कम्स टू मेंटल स्ट्रेंथ, इस पर आपने क्या काम किया है और किस तरह आप फील कर रहे हैं आज फाइनली वो बैरियर क्रॉस करके? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट में जो मेजर फर्क है ना वो प्रेशर का है, कि यहाँ पर गेम की पेस और प्रेशर अलग लेवल का होता है, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट मतलब 1-2 सीज़न खेले हो तो आप यहाँ पर आकर स्ट्रगल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 8-9 सीज़न खेल चुके हो तो आप वही बात है कि उस सिनेरियो से गुजर चुके होते हैं, तो आपको बस प्रेशर को ओवरकम करना होता है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। और दूसरा आपका कि कैसा फील कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ये ऐसी फीलिंग है जो वर्ड्स में तो डिस्क्राइब करना मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी पाकिस्तान के लिए ऐसी इनिंग्स खेलता रहूँ।